यह दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही अजीबो गरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज तक इसे सुलझाया नहीं गया। ऐसे में आज हम आपको इस खबर में कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा इस दुनिया का अजीबो गरीब अगर रहस्य है तो वो है चिल्ली में घोस्ट टाउन नाम के एक मशहूर जगह का, जहाँ एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था। इस नरकंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत रिसर्च करने के बाद यह मान लिया गया कि वह कंकाल इंसान का ही था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। इसी वजह से आज भी यह एक रहस्य रह गया है जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। द डेल्विस्केटल नामक इस झरने को रहस्यमय माना जाता है। इस झरने में दो धाराएं गिरती हैं। एक धारा तो सामान्य धाराओं की तरह बहती है, पर दूसरी धारा एक छेद में गिरकर कहीं गायब हो जाती है। यह रहस्य आज तक इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाया है कि यह पानी जाता कहाँ है। साथ ही हम आपको एक और रहस्य के बारे में बताते हैं, वो है ऐसे सकते हुए पत्थर। थेल वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे लंबी लकीर भी मौजूद होती है। यहाँ मौजूदा नज़ारा कुछ ऐसा है कि यह देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटा जाता है। इस रहस्य को भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि आखिर पत्थर घसीटते हुए कैसे दिखाई पड़ते हैं। सी ऑफ गैलीली के अंदर विशाल चट्टान, इसराइल के सी ऑफ गैलीली के अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थरों से बनी एक विशाल आकृति है। चट्टानुमा यह आकृति 32 फीट ऊंची और 230 फीट व्यास की है, जिसका वजन लगभग 60,000 टन बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इनका निर्माण प्रकृति रूप से नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें बनवाया गया है, लेकिन इसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि ये बना कब है, किस साल में या फिर किस शताब्दी में इसका बनावट हुआ है और इसे बनवाया किसने है, ये भी एक रहस्य रह गया है। अजरक ओएसिस व्हील, यह रहस्यमय आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अजरक ओसीएस व्हील के ये रहस्यमय आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आकृतियों को 8,500 साल पहले बनाया गया था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया है कि इसे बनवाया कब गया था और इसकी बनावट हुई कैसे।